बच्ची का मजाक वो बकवास कर रही है ना, है ना, बाप होता, बाप होता तू, बाप वो अच्छा बाप नहीं है, तू गंदी माँ। अब गुजरा चल रहा है चोरों पे, तो रोज बोतल आती है संस्कारी। ये देखो अंजलि, देखो कैसे अपने पल्लू से मुंह रखा हुआ। ये जो संस्कारी महिला थी, अब इसने अपना संस्कार सब कुछ उजाड़ कर दिया, फेंक दिया। हाँ। तो बताओ, कल को सीमा तो हर हालत में जेल जाएगी 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 जाएगी। तू इकलौती बेटी थी, तू इतनी अच्छी थी, तू 13 साल से भागम भाग कर भागी गई, प्रेगनेंट भी तू भाग कर हुई। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग इसके भगत है ना, भगत रहो भगत, हमें नहीं दिक्कत आती भक्ति से, ऐसे पैसों के लिए नंगी को तो बिल्कुल नंगी के मर्दों के पास हो गया खत्म, रघुपुरा के मर्दों के पास, मतलब इनकी परिवार के सारे, रघुपुरा नहीं, वो तो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं रघुपुरा वाले, इनके घर वालों के पास हो गया काम खत्म, मर्दों के पास। अब शाम को वो मंगाते हैं बढ़िया बोतल 1000 वाली, जो तो वो थर्रा थर्रा, कोई आपका 20-30 रुपए का मुझे लगता है, सुना है मैंने, पहले वो थर्रा पीते, थर्रा के थर्रा होता है कुछ ऐसा ही होता है, थर्रा बोलते थर्रा है ना, तो वो पीते थे, वो थैली में आती थी 10 रुपए वाली शराब, वो पीते थे। अब गुजरा चल रहा है चोरों पे, तो रोज बोतल आती है, तो आदमी एक कमरे में हो जाते हैं, वो कहते हैं महिलाओं को जाओ एंटरटेनमेंट करो, कि ये जो मतलब आजकल महिलाओं वाला, जिस महिला को ये देखो बेशरम, इतनी घटिया अंजलि, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा कि भाई 1 साल हो गया, अंजलि अंजलि संस्कारी लड़की है, अंजलि मतलब इसकी तरह ना, मतलब कुछ भी होगा तो अंजलि संस्कारी है, ये देखो संस्कारी, ये देखो अंजलि, देखो कैसे अपने पल्लू से मुंह रखा हुआ। हाँ, हाँ, और ये देखो कैसे देख रही है, ये देखो जी। और ये जो संस्कारी महिला थी, अब इसने अपना संस्कार सब कुछ उजाड़ दिया, फेंक दिया। हाँ, मैदान में, क्योंकि वहां पर तो शर्म नाम की चीज नहीं, एक महिला बेशरम महिला, निर्लज महिला, भागी हुई अवैध तरीके से महिला ने घर की महिलाओं को अय्याशी सिखा दी कि तुम भी करो और मेरे साथ पैसा। एक बात बताओ, कल को सीमा तो हर हालत में जेल जाएगी 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 जाएगी। तो अंजलि और अंजलि की माँ और ये बबीता, मतलब क्या मुंह लेकर रोड पर उतरा करेंगी, क्या लोग इनको रोड नहीं कसेंगे, क्या लोग इनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, तो नहीं पता, नेत्रपाल को नहीं पता कि रोज रोज चलाई में, पर वही बात है ना, उनको तो शराब चाहिए भाई, उनको तो रात को मटन चिकन शराब चाहिए। तो कम से कम ये कल का सोचे कि आज अगर ये हो रहा है तो कल क्या होगा, के मतलब इतने झूठ इसने बोले कि मैंने कम से कम 4-5 लोगों से पूछा, मुस्लिम लोगों से, कि क्या ऐसा तलाक होता है, वो कहते नहीं जी, जब महिला प्रेगनेंट हो तो तलाक नहीं होता है ना, ये एक नंबर की झूठी महिला, इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है ना, ये मतलब हाथ है इसके झूठ की। और फिर मैं ये पूछती हूँ कि जो लोग कहते हैं सी माँ बेचारी सी माँ बेचारी, वो मुझे ये बताएं, वो बेचारी ने 4 बच्चों को 20-20, 25-25 हजार का मोबाइल कहाँ से लेकर दिया। फिर मुझे ये बताएं कि अगर वो बेचारी थी, हैदर पैसे नहीं भेजता था, तो वो 24/7 नेट कैसे, मतलब इससे वीडियो कॉल पे बात कैसे करती थी, तो भैया या तो मतलब वो पैसे नहीं भेजता था, या ये मुजरा करती, या ये धंधा करती थी, आओ आओ और पैसे दे जाओ, आओ जैसे यहाँ पे चल रहा है, जैसे रेड लाइट पे औरतें करती वैसे ये करती, कबूल करे ना, क्या करती थी ये, बिजनेसमैन थी ये, कस्टम ऑफिसर लगी हुई थी वहां पे, है मतलब इसका इसका साथ देने वाले दो, अरे दो उसकी एक अच्छाई तो बता दो मुझे, मैं भी कहूँ कि हाँ ये बात सीमा की सही है, अरे ये बात सीमा की सही है, हैदर की एक भी बात गलत होती मैं तुरंत बोलती हूँ, चीखती हूँ ये हैदर गलत है भाई, इस बात में गलत है, कोई भी गलत तो गलत का साथ में नहीं देती, तुम सीमा की एक अच्छाई तो बताओ, ये 4-4 मोबाइल बच्चों को कहाँ से लेकर दिए, इसका कौन सा और खसम था जो उसको कमा कर देता था, कौन सा ऐसा यार थे इसके, यार वही थे बिना बिना ये याद रखना, बिना मतलब के कोई आपको एक टाइम का रोटी नहीं खिलाएगा, उसको भी लगेगा कि ये अभी खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा मेरा काम कर देगी, कार्य कर देगा, कर देगी या कुछ भी, तो ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता आज के में, तो बिल्कुल भी नहीं, ये पैदा सेवा भावना चलती थी, मान सम्मान चलते थे, आजकल तो टिट फॉर टैट, हमें भी लोग इसलिए पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो धरातल पर मेरा काम देखते हैं, कि हमारी माँ है भाई, इतनी उम्र में भी वो लड़ रही है, आज भी वो लड़ रही है अपने धर्म के लिए, इसलिए नहीं तो कोई दूसरी महिला कोई पानी ना पूछे, पानी का गिलास ना दे कोई किसी को, तो इससे मैं पूछना चाहती हूँ, इसके मैं भक्तों से पूछना चाहती हूँ, सीमा के भक्तों मुझे ये बता दो कि सीमा ने 4 मोबाइल कम से कम, मैं कहती चलो तुम कहते हो 25 हजार का नहीं 20 हजार का, उसने मुझ सका 20-20, 25-25 हजार के, मैंने बच्चों को 4 को मोबाइल लेकर दिए, वो मोबाइल के पैसे कहाँ से आए, ठीक घर बनवाया वो पैसे कहाँ से, वो 2 कोड़ी का इंसान वो बेचारा मर गया, उसकी मिट्टी खराब कर रहे हैं, इसका रिक्शा चलाता बाप जो अपना तो खर्चा कर नहीं पाता था, इस वैश्या इस गंदी महिला को, इस 2% की महिला को वो पैसे ला कर देगा कि बच्चों को मोबाइल दे, और कौन बाप अपनी बेटी को कहेगा कि यार के साथ 24 पर वीडियो कॉल पे रहती है, तूने जिस मर्द का खाया उसी को धोखा देकर भाग गई, उसी का घर बेच कर खा गई है, फिर तेरा तू बता कि तेरी वहां से आने की टिकटों के पैसे कहाँ से आए, तेरा बाप तुझे क्यों मकान देकर गया, तू इकलौती बेटी थी, तू इतनी अच्छी थी, तू 13 साल से भागम भाग कर
भागी गई, प्रेग्नेंट भी तू भाग कर हुई है, हैदर का बच्चा पहला तेरा भागम भाग गई थी तो हैदर के साथ। उसके बाद इसका बाप को क्या अपने दूसरे बच्चे नजर नहीं है, बेटा नजर नहीं है, बेटिया नजर नहीं है, इस छिड़ाड़ को देखा जाएगा वो घर, इस गंदी महिला के नाम करके जाएगा वो घर, इस घटिया औरत के नाम करेगा वो घर। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग इसके भगत है ना, भगत रहो भगत, हमें नहीं दिक्कत आती वक्ति से, पर हमें इसका अच्छा गुण दिखाओ। ये बच्चों को लेकर आई, देखो वो बच्चों को लेकर आई, वो बच्चों को नहीं लाई, ये आप लोगों की कदर फैमिली निकाल दू, वो बच्चों को नहीं ला रही थी, ये लप्पू ने जोर दिया कि बच्चों को ला, क्योंकि बच्चों के साथ हर बंदा देख लेता है, सीमती मिलती है, एक भावनाएं हो जाती है, बच्चे बेचारे 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 करके लोग बात करते हैं। और दूसरी बात, इसने क्या कहा बाइट में, आज भी इसकी बाइट पड़ी है इंडिया टीवी वालों की शायद, इसने क्या कहा कि मैं नहीं नहीं हैदर को बच्चे चाहिए तो ले जाए, बच्चे ले जाए, पर मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी मोहब्बत है। तो भाई जिस महिला को अपने बच्चों से सिर्फ प्यार नहीं है, सिर्फ यूज कर रही यूज, और लोग हमें भी बुरा लगा, बच्ची का पोस्टर लगा, बच्ची का नंगी का वीडियो आया, हमें भी बुरा लगा, पर माँ को बुरा नहीं लगा, यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट की, इसने नहीं, यूट्यूब पर कंप्लेंट डाली मेरे भाइयों ने तो वो वीडियो डिलीट हुई, इसने वीडियो डिलीट नहीं की, क्योंकि आप नोटिस करो जब भी इसके व्यूअर्स कम होते हैं, जब इसके व्यूज कम आते हैं, तो गंदी हरकत, कोई नीच हरकत, चाहे वो अपनी बेटी को लेकर हो, चाहे वो अपने पति, कुछ भी हो, ये नीच हरकत करेगी और लोग फिर वही भीड़ आ जाएगी। माँ मर जाती है, तेरे पूरे जैसे ही देखा कि बेटी के लिए तूने आकर लाइव को बंद कर दिया, और तूने बंद करने के बाद तूने लाइव डिलीट की, तो यूट्यूब ने की, यूट्यूब ने वो लाइव डिलीट की, बच्चों ने मेरे भाइयों ने यूट्यूब के पास भेजी कि ये वीडियो ऐसी है, तो उन्होंने लाइव डिलीट की इसको, ये बात हो गई, इतने लोगों ने देख ली तो डिलीट हो गई, तो पैसे नहीं आए, ऐसे पैसों के लिए नंगी तो बिल्कुल नंगी हो गई है, एकदम नंगी, बस इसका पता कितना फर्क रह गया। कुछ ऐसी मतलब मैं तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे यूट्यूब का चैनल बनाकर, कुछ इतनी गंदी महिला मेरा दिल करता कभी लिखूं, फिर मैं कहती छोड़ो मरने दो, सेम उसकी हालात है, बस ये रात को उनके स्कूल की तरह बेड पे नहीं है सचिन के साथ, और जिस दिन इसको केस से आजादी मिल गई ये लोगों के साथ बेड पर भी आते बनाएगी। अब लोग इसलिए आते हैं कि ये पता नहीं पाकिस्तान से क्या अलग प्राणी आ गया है, हम देखें इसको, देखें इस बेशरम महिला को, बताओ सिर्फ और सिर्फ ये साड़ी पहन ली, वो सूट पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया, उन्हें बच्चों पर ध्यान दिया, बच्चों को तो तूने एक साथ के तीन सूट बनवा दिए, जैसे वो बाजे वाले पहन के आते हैं, बैंड बाजे वाले बनाओ तो एक ही साथ के कपड़े पहने होते हैं, है ना, उनके साथ के बच्चों को सिलवा दिए और लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, है मेरी बच्ची का मजाक, वो बकवास कर दिया, हैदर बाप होता तू बाप, वो अच्छा बाप नहीं है, तू गंदी माँ, अगर अच्छा बाप नहीं है ना तो तू सबसे गंदी गिरी हुई घटिया पूरे वर्ल्ड की माँ, इतनी घटिया औरत है तू, कि तूने अपनी बच्ची का जुलूस, जब तुझे पता है तेरी बच्ची के दर्द है, तेरी बच्ची रिड़क रिड़क के आ रही है, तो तू सोशल मीडिया पर ऐसी तैसी करा ली उसको, दिखा रही रहने देती दूसरे कमरे में, कह देती क्या वो दोनों भाई बहन सो गए हैं, ये दोनों अभी तक जाग रही है, सो बहाने होते हैं, अगर तूने बच्ची को ऐसे रिड़कते देखा, इसकी आत्मा नहीं काफी, क्यों, क्योंकि इसकी आत्मा जो है ना वो सिर्फ पैसे से और लप्पू को रिझाने में, वो सारे बांदर से को रिझाने में जुड़ी हुई है, कि अगर लप्पू नाराज हो गया ना तो मेरी रोटी का जरिया और मेरी अजाशी का बंद हो जाएगा, ये कहती थी कि लप्पू नाराज होता है ना जब तक वो मानता नहीं, उसके पैरों को पकड़ के बैठी रहती है। इसके खुद मुझे उसने बताया था आशीष चरसिया ने, कि दिन में 5-7 चांटे तो माता जी मामूली बात है, चलते फिरते चांटे तो ये खाती रहती है, और जो अच्छी पिटाई होती है वो रात को अंदर जब पूरा दारू चली जाती है ना तब पिटाई होती है। आजकल वो भी मना किया हुआ है, क्योंकि आजकल इसलिए मना किया हुआ है कि अभी सबर करो, अभी केस चल रहा है, कहीं पंगा मत पड़ना, और बच्चियों के लिए बकवास कर रही है, मेरी बच्चियों के लिए, तो तू अपनी बच्चियों के लिए खुद सोच रहा ना, दुनिया को क्यों मौका मिला कहने का, क्यों मौका दे रही तू दुनिया को, दुनिया को तू मौका दे रही, तो लोग बोल रहे बाप ने तो अभी हैदर ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, हैदर को तो उसको 9,000 गाली देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, है ना, तू उसके सामने उसकी बच्चियों को, एक बच्ची कह रही है मेरे पेट में दर्द है, बोल अरे छोटी मुन्नी को, बेशरम महिला, तू बच्चे से हर हर महादेव करवा, तू पूरे पाकिस्तान से हर हर महादेव करवा, तू सनातनी नहीं है, ना तू थी ना तू है और ना तू कभी रहेगी, तू वही है गौ माता को खाने वाली, बिल्कुल तू हमारे सनातन की हो ही नहीं सकती, मेरे तो गलती से भी अगर किसी सनातनी ने भी, किसी हिंदू ने भी मुझे पता लग जाए गौ माता खाई, तो मैं तो उसको भी थूक दूं, उसके मुंह पर जाकर थूक दूं, ये सारे निकल, तू सनातन का हो ही नहीं सकता, तू गौ माता की सेवा कर रही है, लोगों को सिमती करने के लिए, देखो है ना, सबको पता तू गौ खाकर आई, और तूने अपने, चलो हमें पाकिस्तान वाले बताते तो हम कहते हैं देखो भाई ये सीमा का वो कर रहे ना विरोध, तो इसलिए ये झूठ सच बोल रहे हैं, अरे तूने तो अपने मुंह से कहा कि एक साल पहले मैंने गऊ, मैंने बकरा मुर्गा गऊ सब कुछ छोड़ दिया था, अगर तूने एक साल पहले छोड़ा था तो तू कहती है मैं 4 साल पहले से सनातनी हो गई थी, तो इसका मतलब तू सनातनी होकर भी गौ माता